जी अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और मेरे भाइयों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो ये जो है मक्की की स्प्रे है, ये है सकोर, ये है फंगस के लिए, तो ये है ईद अभियान, ये है ताकत के लिए। तो दूसरी बात है, मैं एक माह से बहुत बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई वो लोग शलोग नहीं बनाया, तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, एक दिन सजना टोर जाना है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को सोनी सिया दे। ये जानवरों के फार्म में बैठा हूँ, तो ये मेरी गायें हैं, इतने ये अभी अभी इसने बच्चा दिया है, ये देखो, वो दूसरी गाँव के बच्चे हैं। तो खेती में तो मैं जा नहीं सकता, मेरी तबीयत सही नहीं है। वो दो बच्चे उधर खड़े हैं, ये देखो, और ये जो गायें हैं ये बच्चा दे रही है माशाल्लाह से, ये गायें हैं, बच्चा इसने दिया है, वो परली वाली ने दिया है, ये ब्लैक ने दिया था, वो है। ये मेरा जानवरों का ना फार्म है, इधर मैं अपना दिल बहलाने के लिए बैठता हूँ। तो खेती में मैं चल नहीं सकता, तबीयत बहुत ख़राब थी, एक महीने से ना बहुत बीमार था। ये बच्चे हैं छोटे, ये देखो ना, इसका टाइम है दूध देने का, तो ये दूध निकाल रही है खुद ब खुद, ये देखो, ये खुद ब खुद दूध निकाल रही है। ये एक दिन में ना तीन बार इसकी दूध निकालते हैं हम, माशाल्लाह से इसका दूध है 40 लीटर, ये तीन टाइम दूध देती है। ये जो है अभी ये बच्चा दे रही है, दुआ करो कि अल्लाह पाक खैर खरिया से इसका बच्चा है। उधर बैंगन है, मैं उधर भी नहीं जा सकता, मकई है उधर भी नहीं जा सकता, आलू की काश्त हो रही है, तो बस इधर ही घर से आया हूँ इधर फार्म में, तो उधर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सलामत रखे, आबाद रहो। इन अल्फाजों के साथ तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। ओके, रब रखा।